प्रोविजनल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश की सरकार सेवा में सेवानिवृत्त चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर तथा निजी क्षेत्रों के अधिकतर चिकित्सक सरकार की वादा खिलाफी एवं चिकित्सकों के प्रति अपराधियों जैसे व्यवहार करने के विरोध में शामली के राजकीय चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। उन्होंने चिकित्सकों की मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। गुरुवार को प्रोविजनल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश के सरकारी सेवा में सेवारत चिकित्सा, रेजिडेंट डॉक्टर तथा निजी क्षेत्रों के अधिकतम चिकित्सक सरकार की वादा खिलाफी दमनकारी नीति एवं चिकित्सकों के प्रति अपराधियों जैसा व्यवहार करने के विरोध में शामली के राजकीय चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा ने कहा कि पिछले महीनों के आंदोलन पर राज्य सरकार एवं आंदोलनकारी चिकित्सकों के बीच सहमति हुई, जिसमें राज्य सरकार ने अधिकतर को मानने तथा पूर्व में की गई घोषणाओं के त्वरित निस्तारण करने का वादा किया था, जिसके बाद चिकित्सक आंदोलन से लौट गए थे। लेकिन समय अवधि बीतने के बाद राज्य सरकार ने वादा खिलाफ करते हुए 18 दिसंबर को प्रस्तावित नए आंदोलन से पूर्व ही 15 दिसंबर को चिकित्सकों के घर के दरवाजे तोड़कर उनकी गिरफ्तारी की और अमर्यादित और आपराधिक व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद देश भर के डॉक्टरों ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते सभी चिकित्सक हाथों में काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। आज जो पिछले दिनों काफी दिन से राजस्थान में कार्यरत जो चिकित्सक गण हैं सरकारी सेवा में, उन्हें कुछ वेतन विसंगतियां थी, कुछ उनकी सर्विस कंडीशंस को लेकर के उन्होंने काफी दिन हड़ताल पे रहे थे वो, तो फिर सरकार ने उनकी मांगों का मानने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन को पूरा ना करने की वजह से उन्होंने 18 तारीख से फिर हड़ताल पे जाने की घोषणा कर दी। उससे पहले ही 15 तारीख को सरकार ने उनके क्वार्टर से उनको निकाल के जेल में बंद किया और उनके जो परिवार के जन जो जहाँ पे चिकित्सक नहीं मिले उनके परिवार वालों को काफ़ी परेशान किया, उनको बहुत ज़्यादा अभद्रता हुई उनके साथ में। तो उसके विरोध में आज ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पूरी ऑल इंडिया लेवल पर एक काला पीता बांधकर सांकेतिक ये हड़ताल की घोषणा की है कि आज पूरा दिन जितने भी चिकित्सक सरकारी सेवा में हैं पूरी ऑल इंडिया में वो काला पीता बांध के कार्य करें, जो समय उसी के उपलक्ष में हम लोग यहाँ पर काला पीता बांध करके आज सरकारी कार्य को अंजाम।